Next question is, in given indicating curve, which curve represent the HE gas, H2 gas and CO2 in adiabatic process? So, PV curve given है, curve 1, 2 और 3 में से हमें identify करना है कौन सा helium का है, कौन सा H2 है और कौन सा CO2 का है. So, देखिए, हमें पता है कि PV raised to power gamma equals to constant, यानी जिस curve के लिए gamma का value ज्यादा होगा वो steepest होगा. यानी जिसके लिए गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो होगा कर्व 3 और जिसके लिए सबसे कम होगा वो होगा कर्व 1. सो देखिए गामा एच ई जो होता है ये कितना होता है, मोनो एटॉमिक है तो 5/3, गामा एच टू यानी डाई एटॉमिक यानी 7/5, गामा सीओ टू जो है ये होता है 1.28. देखिए गामा एच ई सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो कर्व 3 है ये एच ई का है, कर्व 2 जो है 7/5 5/3 से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ H2 का, और कर्व 1 CO2 का गामा सबसे कम है इसलिए 1.28 है, इसलिए ये कर्व किसका हो जाएगा, CO2 का हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए गामा का वैल्यू निकाल कर हम कर्व को पहचान सकते हैं.